भर दिया, पूरा पानी भरा है। मैं तो पूरा भी नहीं था, इच्छिन्न पैदला जा रहे हैं, इच्छिन्न पैदला जा रहे हैं। बीते 40 साल से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर में अब विकास होने लगा है। धीरे धीरे ग्रामीण इलाके मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं, कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, सड़कों का काम हो रहा है और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस वक्त मैं एलमागुंडा पंचायत के करीगुंडम गाँव में हूँ, जो सुकमा जिले के बेहद नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है। आज यहाँ सड़कें तो बन गई हैं, धीरे धीरे विकास भी पहुंचने लगा है। दक्षिण बस्तर के सैकड़ों गांव आज भी सड़क, बिजली और स्कूल की जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। धीरे धीरे विकास पहुंचने लगा है, सड़कों का काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन हालत आज भी ग्रामीण इलाकों में वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। आज इस इलाकों में प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा का दौरा है और ये पहली बार होगा और आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब किसी मंत्री के कदम इन इलाकों में पड़े हैं। एलमागुंडा पंचायत के करीगुंडम जैसे इलाके में पंचायत के रामाराम मंत्री कवासी लखमा ने दौरा किया है और वहाँ की ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी है। एक बार हम लोग भूपेश बघेल साहब के साथ गए थे ना, हम लोग उद्घाटन कर रहे, वही बोल रहे नारे पड़ते रहे, वही नारे पड़ते, वही नगर वाला देख लिया तो सरपंच का काम नहीं है क्या? समिति है क्या? वन समिति, हाँ एक दिन ओची दिन मीटिंग में आओ, वो दोनों काम करो। आंटी इन बात और वेर पे का लेगा ए नेता, आंटी इन वेर बात और सरपंच बात की बात और ऐसा सुबह तो सोमवार थे वो गर्म सभा के वन समिति को बुला, नाकेदार को बुला। चुना सा चुटकस मतलब कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ बत के ओइ तुर में ना माने कायदा नो रोइ तुर एक बार सा ओइ तुर में कायदा नो 1700 माने की विरुद्ध के 1700 सात मतलब में तीन वगर जल गया, 2-2 लाख रुपए दिया, 5 करोड़ रुपए दिया, कहां 5 करोड़। आज हमारा सरकार बाप खुशी के बात है, मियां नार में ने अंदाल में वेरगी मेरे न दे बाप मुई तोरे वेरी दी। हमारे गरम पंचायत एमलागुंडा, ये असली गरम कड़ीगुंडा में हमारा पुराना संबंध थे, रिश्तेदार लोग रहते थे, सब लोग मेरी बड़ा गादीरास के लोग रहते हैं। उसके बाद रामाराम गरम पंचायत में रामाराम पिडमेल, यहाँ भी हमारा रिश्तेदार लोग निवास करते हैं। मेरा बहुत दिन का इच्छा था इस गांव में आए, उनका हाल चाल देखे। इस गांव में 40 घर वाले अभी नहीं है, कोई आंध्रा है, कोई कोंटा में है, कोई दोरनापाल में है, लेकिन आज इस गांव में पुलिस कैंप खोलने से, सड़क बनने से, इसी साल यहाँ बिजली लगवा दिया, अब परिवर्तन आया है। लोगों का सबका मंशा है कि आधार कार्ड मिले, जंगल जमीन का पट्टा मिले और राशन कार्ड मिले,
लगभग राशन कार्ड बन चुका है, 1% लोग बचे हैं। ये दोनों पंचायत में मैं दौरा किया हूँ, रामा रामा एमलागुंडा पंचायत में। मैं सभी जनपद सीओ को या सचिव सरपंच लोगों को निर्देश दिया हूँ कि इनको तत्काल पट्टा बनाए। भूपेश बघेल के नीति विश्वास विकास सुरक्षा, उस कार्यक्रम में आदिवासी भाई लोग बहुत खुश है। सब लोग सड़क मांग रहे हैं, सब लोग डामर रोड मांग रहे हैं। इस गांव में 3 ट्रैक्टर लिए हैं, जिस गांव में कोई आदमी आता नहीं थे उस गांव में 2-3 ट्रैक्टर है। तो इसलिए आप लोग सब लोग देखे हैं, फिडमेल में 16 लाख का स्कूल का भूमि पूजन किया हूँ, वहाँ 11 लाख का पीडीएस बनेगा। तुम्हारा रामा राम भी स्कूल पीडीएस का दुकान, यहाँ भी पीडीएस का दुकान लगभग बन चुका है, अगले महीना तक बनेगा। सब लोग बोलते हैं कि हमारा गांव में सवाल आए, चिंता गुप्पा से सवाल रहा है। इसलिए मैं बहुत सरपंच लोग से नाराज हुआ हूँ। 5 साल हमारा सरकार रही, हम लगातार बोलने के बाद भी, स्वीकृति देने के बाद भी, आंगनबाड़ी का स्वीकृति, स्कूल का स्वीकृति और पीडीएस दुकान का स्वीकृति 6 महीने पहले मिल चुका है। कलेक्टर में हमारे प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया और स्वीकृत हुआ है, लेकिन मनाने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है। अगले 1-2 साल में हमारा सुकमा सिंहगढ़ जैसा विकास इस सुकमा जयगुरगुंडा सेट में गोलापल्ली सेट में होगा। मैं इतना पानी में भी गांव के लोग मेरे को देखने, तीनों गांवों में गांव के महिला हो पुरुष हो देखने का आतुर थे। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। आप लोग भी मीडिया वाले इतना दूर आए, आप लोगों को सबको मैं बधाई देता हूं कि मीडिया एक माध्यम है गांव के लोगों को दुख और सुख को गांव में पहुंचाने वाला। इसी गांव में एक पड़ कोला था, 13 लाख रुपया तेंदुपत्ता का नगद पैसा मिला है। उसी प्रकार तेंदुपत्ता का लाभ 50 करोड़ रुपया जो हमारा वन मंडल को मिला है, हर गांव को 13 लाख 14 लाख रुपया मिला है। उसी कारण ट्रैक्टर में जोतने में काम आया है। धान का फसल भी बहुत जोरदार आ रहा है, पानी भी जोरदार गिर रहा है, इस साल जनता बहुत खुश है।